और चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे अजमेर की। अजमेर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अभी तक का सबसे बड़ा चालान पेश हुआ है। एसीबी कोर्ट में हो सकता है आज चालान पेश, और 2 लाख से भी ज्यादा पन्नों का चालान पेश होगा। नागौर सीडीपीओ उषा रानी और अन्य के खिलाफ होगा चालान पेश। पोषाहार में गड़बड़ी के चलते एसीबी ने किया था ट्रैप, और इस मामले में माना जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा चालान पेश हो सकता है। तो पोषाहार में गड़बड़ी के चलते एसीबी ने ट्रैप किया था, और इसी मामले पर आज माना जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा चालान पेश किया जा सकता है। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए इस पूरे मामले में एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। 2 लाख से भी ज्यादा पन्नों का चालान आज पेश किया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अजमेर से निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए एसीबी की तरफ से जो चार्जशीट है वो पेश कर दी गई है, और आप जब देख रहे हैं हम न्यायालय परिसर में हैं और न्यायालय के बाहर हैं, और इसी एसीबी कोर्ट में इसको पेश कर दिया गया। सबसे बड़ी बात देखिए कि एसीबी के जो एएसपी हैं इस मामले में सीपी शर्मा, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आ चुके हैं। अब उन आरोपियों को बुलाया जाएगा, जिन आरोपियों का लगातार पिछले 4 घंटे पूर्व ही उनको लाया जा चुका है कोर्ट परिसर में। बस अब उन इन चीज़ों के साथ ही जो कोर्ट में पेश की जा चुकी हैं चार्जशीट, ये और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चार्जशीट में जो बात अब जैसे कि उस पर टेबल पर लिया जा रहा है, टेबल पर लिया जा रहा है, और उसके साथ ही तय हो जाएगा कि उसमें किस तरीके से ये भ्रष्टाचार जो है जो जड़े जमा चुका था, और विभाग में कि ये एसीबी की कैसे इसको 1.5 साल तक एसीबी ने इसमें कार्रवाई करी, और उसके बाद जाके आप कीजिएगा 1.5 साल तक एसीबी इसको पूरी तरह से कह रहे हैं तैयारी करती रही, और तब जाके जुलाई 2018 में जाके इस पर ट्रैप किया गया, और करीब 11 ठिकानों पर जो कहें एसीबी ने अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई की, 50 लाख से ज़्यादा की नकदी बरामद की। और अभी तक जो 4 मुख्य आरोपी हैं, इसमें जो मुख्य आरोपी उषा रानी हैं, इसके साथ ही जो 3 ठेकेदार हैं योगेंद्र सहित, उनको उनके लेकर उनके मामले में चार्जशीट पेश की गई है। बाकी के मामले 2 लाख से भी ज्यादा पन्नों का ये चालान बताया जा रहा है। किस किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं मुख्य तौर पर इसमें? देखिए अभी सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि अभी चार्जशीट टेबल पर रखी गई है, मतलब डाइस पर रखी गई है, जज के डाइस पर, कोर्ट में डाइस पर रखी गई है। अभी कुछ ही देर में जब वो आरोपियों को ऊपर अंदर बुला लिया जाएगा कोर्ट में, तो उसके बाद ये खुलासा होगा कि किन किन धाराओं में जो ये हैं आरोप तय किए गए हैं। चूँकि पूर्व में ये था भ्रष्टाचार निरोधक की जो धाराएँ हैं 3, 5, 5/1, इन सही 7 से लेकर 9 धाराओं में, अलग अलग धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन अब चूँकि आज चार्जशीट पेश कर रहे हैं, तो इसमें और क्या धाराएं ऐड की गई हैं या धाराएं कुछ हटाई गई हैं, ये सब कुछ खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दिव्या इस चार्जशीट से खुलकर सामने आ रही है कि जो 100 से ज़्यादा इन्होंने फर्जी जो स्वयं सहायता समूह बना रखे थे, उन स्वयं सहायता समूह में एक एएसएसजी का एक पद होता है, उसके अकाउंट में वो पेमेंट डाला जाता है, और उसका चेक पहले से तैयार होता था उन ठेकेदारों के पास, जो जैसे ही उसमें अकाउंट में पेमेंट डाला जाता वो उनको निकाल लेते थे। तो एक बहुत गहरी एक लंबे समय से एक साजिश जो कह सकते हैं, किस तरीके से जो बच्चों के मुंह में निवाला जाना चाहिए वो अधिकारी ये सांठगांठ करके आपस में खाते रहे, ये एक बड़ा कह सकते हैं कि आज इसमें खुलासा होगा। चार्जशीट जो है अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि ये जो चार्जशीट में सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये सिर्फ 4 साल का रिकॉर्ड जो है, करीब 1 ट्रक भरकर रिकॉर्ड बरामद किया गया था। अब उस इस सबसे बड़ी बात है, उस रिकॉर्ड को जाँचना भी एक एसीबी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि एसीबी के पास समय कम था, निवेदन की अवधि होती है चालान पेश करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सिर्फ 4 जो मुख्य आरोपी हैं उषा रानी सहित जो 3 आरोपी ठेकेदार हैं उनको लेकर ये चार्जशीट पेश कर रही हैं। और जो दूसरी इस मामले की जो महत्वपूर्ण बात ये आती है कि किस तरीके से एक विभाग में एक जो कर्मचारी हैं या एक अधिकारी हैं, वो जो सुपरवाइजर से लेकर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर तक चला जाता है, और इतने सालों तक वो लगातार गबन करता रहता है, लेकिन किसी को इसकी जानकारी तक नहीं होती। बड़ी बात यह है कि इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ था, जब चूँकि मिर्धा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो नागौर के पूर्व विधायक, उन्होंने भी विधायक ने भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था जब ये कार्रवाई हुई थी जुलाई में, उसके दूसरे दिन उन्होंने प्रेस
कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि इस मामले की उन्होंने जांच सरकार को और एसीबी को पहले भी दी है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस मामले की जैसे जैसे परतें खुलेगी बहुत बड़ी बातें सामने आ सकती है। यानी कि निजाम ये माना जाए कि आप बता रहे हैं कि जिन चार आरोपियों के खिलाफ आज चालान पेश हो रहा है उनसे पूछताछ के बाद कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं आने वाले वक्त में। देखिए मैंने पहले भी बताया जैसे कि एसीबी के लिए सबसे मुश्किल वक्त ये है कि उसके पास जो उसने रिकॉर्ड बरामद किया है, क्योंकि अभी तक एसीबी की आज की चार्जशीट में हो सकता है इसका खुलासा हो जाए कि ये कितने सालों से चल रहा है, क्योंकि 1982-83 मानिए कि 1983 में पहली बार पोषाहार योजना का शुरुआत हुई थी और उसके तीन साल के दौरान ही ये कहते हैं कि ये जो खेल था वो शुरू हो चुका था। अब आप इसमें कल्पना कीजिए कि जो एक ठेकेदार है हरि सिंह, वो डिप्टी डायरेक्टर माना जाता था, इसमें जो एक निजी व्यक्ति हैं उसको विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता था, वो जिसको चाहता था इस डिपार्टमेंट मतलब सेंटर पर लगाता था, वो जिसको चाहता था, ये सारे खुलासे इस आज चार्जशीट में हुए। उससे पहले भी जैसे एसीबी ने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया था, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आज कह सकते हैं कि ये चार्जशीट कितने कुछ खुलासों का गवाह बन सकती है, इसके साथ ही एक बड़ी बात जो कि जो सरकारी विभागों कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार फैला हो किस कदर नीचे की जड़ तक फैला हुआ है। और अभी जो है कुछ ही देर में जो आरोपियों को बुलाया गया है कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपियों को, और मुख्य जो इसके आरोपी हैं उषा रानी सहित सभी को जो सूक्ष्म में पिछले 4 घंटे से कोर्ट रूम के बाहर ही रखा गया था, और अब चूंकि तैयार नहीं हो पाई थी चार्जशीट, पिछले 10 बजे के बाद से ही तैयारी करने में लगे थे, क्योंकि इसकी जो चार्जशीट की प्रतिलिपि आरोपियों को बुलाया गया है और अब से थोड़ी देर के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट